दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों आज सीएमओ में हमारी मीटिंग हुई मुख्यमंत्री सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी ललित कुमार जी और आरती नैन से, और उस मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कई इश्यू थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एलडीसी भर्ती 2018 कि जो 2.5 लाख से कम आय वाले जो मामले को लेकर कई लोगों को यह संदेह है कि उनको अपात्र किया जाएगा, जो अध्यक्ष बोर्ड के सचिव साहब ने उनको अवगत कराया। हालांकि संबंध में स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने भी जो मेरे साथ एक दो अभ्यर्थियों को खींचा डाटा, एक तरह से डाटा कहा कि अभी तक आप लोग कर्मचारी नहीं बने, उससे पहले ही सरकार के आप चूना लगा रहे हैं, यानी कि 100 रुपए के चक्कर में आप लोगों ने जानबूझकर 250 रुपए वाले का आपने यस किया है, यानी कि कहने की आप लोगों ने गलती की है। 80 मजाक चल रही थी, वो कह रहे थे वास्तव में गलत है, सिस्टम के साथ आप खिलवाड़ कर रहे, लेकिन मैंने उनकी बात बड़ी मजबूती से रखी और उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया। वो अधीनस्थ बोर्ड सचिव साहब से बात करेंगे और दोस्तों ये वहां सीएमओ में जाकर आपकी बात रखने का मेरा उद्देश्य यही था कि किसी कारणवश किसी भी कारण ये भर्ती नहीं अटके, क्योंकि काफी लोग इसी नजर में हैं कि एलडीसी भर्ती 2018 को रोका जाए, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा कि फरवरी में इनका रिजल्ट आए, यानी कि 9 मार्च होली से पहले इनको खुशखबरी मिले, तो वो ये इनके प्रकार भर्ती को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं ये इनके प्रकार इस भर्ती को जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ। आज सीओ में गया एलडीसी भर्ती की बात प्रमुखता से, उनका अभ्यर्थी जो पीड़ित अभ्यर्थी थे जो आई 2.5 लाख से कम आई वाले अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद था और उनकी डायरेक्ट उनकी मैंने बात कर पाई और लास्ट में उन्होंने आश्वासन दिया, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले में किसी को अपात्र नहीं किया जाए जिससे भर्ती प्रक्रिया न रुके, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज मिला हुआ सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब मामला ले लेते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, यानी कि हमारे सामने ही आईएएस अधिकारी मानसू गुप्ता साहब बीकानेर, उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है और आरपीएससी के अधिकारी से उनकी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि आज या कल तक परिणाम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मुझे पता चला है कि सिंधी का है ना, सिंधी का परिणाम आ चुका है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सीएमओ से निकला हूं और उन्होंने कहा कि आज रात तक या कल तक परिणाम आने स्टार्ट हो जाएंगे और 10 फरवरी तक लगभग सारे परिणाम आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात निकल के आई इस मीटिंग में कि जो सीएम स्पेशल सेक्रेटरी मैम आरती डोगरा जी ने हमारे सामने मोबाइल पे हिमांशु गुप्ता जी आईएएस अधिकारी से बात की और उनको कहा कि आप लोग इस प्रक्रिया तेजी लाए, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी है, इंतजार है आरपीएससी से फॉर्म आने का। तो दोस्तों रिजल्ट के साथ साथ आपके लिए परिणाम के साथ साथ आपकी जो बीकानेर वाली प्रक्रिया में भी सीएमओ की तरफ से फोन करवा दिया है, जो आपके लिए अच्छी खबर है। मैं खुद अजमेर जाके आया था, आपकी बात बड़ी मजबूती के साथ रखी थी और उन्होंने कहा था परिणाम आपका आने वाले वीक में आने शुरू हो जाएंगे और आपको पता है परिणाम आने शुरू हो गए। हमने कहा था यदि परिणाम नहीं आया हमारे साथ धोखा हुआ तो 3 फरवरी को हम आरपीएससी का घेराव करेंगे। लगातार लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे थे, मैं उनको ये कह रहा था इंतजार तो करिए, 3 फरवरी तक इंतजार तो करिए, 3 फरवरी से पहले परिणाम आने शुरू हो गए। ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018। अब बात करता हूं आरएस भर्ती 2018 को लेकर। जब मैंने मेम के सामने बात रखी तो आरएस भर्ती 2018 के लिए उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे, फरवरी के फर्स्ट वीक में इस मामले में सुनवाई है, तो 2016 में हुआ उस प्रकार भी हम किसी प्रकार कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला लंबित है, गरिमा हनुमान जाट और भी जो एक दो मानसी, तो उन्होंने कहा कि उस मामले में भी आरपीएससी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो फरवरी में सुनवाई होगी उसमें पूरी कोशिश करेंगे। तो आरएस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों आरपीएससी के एडवोकेट से भी मेरी बात हुई है। अब दोस्तों सवाल यह है कि वो तो कह रहे कि हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो होने वाली सुनवाई जो 4 तारीख को है, लेकिन उन्होंने जहां तक और एडवोकेट से मैंने लीगल ओपिनियन ली है, बात की है, सवाल यह उठता है कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो भी सरकारी एडवोकेट थे, क्योंकि हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे, आप 4 तारीख का इंतजार कर हम कोशिश करेंगे, या 4 तारीख को नहीं होता है, जो लोग फ्री में सफल थे मैच में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग भी कोर्ट में याचिका लगाए, कहें कम से कम इसका प्रोसेस यानी कि मेंस का फाइनल रिजल्ट निकाला जाए, इंटरव्यू करवाया जाए, फाइनल स्टेज पर, जब तक फाइनल स्टेज पर मामला पूछेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामला हल हो जाएगा। तो दोस्तों 4 तारीख की हम कोशिश कर रहे हैं आरएस 2018 को लेकर, आज सीएमओ में बात रखी है, अब 4 तारीख या 5 जो भी 4-5 तारीख बता रहे सुनवाएगी, यदि फिर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने एडवोकेट से लीगल ओपिनियन लिया उन्होंने ये कहा कि जो मैं प्री ने जो पास है मेंस में पार्टिसिपेट किए हैं वो लोग याचिका लगा के कह सकते हैं कि कम से कम
फाइनल का परिणाम निकाला जाए, इंटरव्यू करवाया जाए, यदि इनको रोक रहा है तो अंतिम स्टेज पर रोका जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए। तब से हम ये प्रक्रिया तो पूरी करें, फाइनल मेंस का रिजल्ट निकाला जाए और इंटरव्यू तक करवाया जाए, जब तक इंटरव्यू होंगे जब तक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मामले का निस्तारण हो जाएगा, वहां तक ये प्रक्रिया पूरी की जाए। ये याचिका यदि 4 तारीख तक 4 या 4-5 बजे सुना उसमें कुछ नहीं होता, उसके बाद याचिका आपको लगानी चाहिए, जो लीगल ओपिनियन मुझे एडवोकेट के अनुसार मिली। कोशिश आईसीएम में बात रखे, कोशिश आरपीएससी में आपकी बात रखी थी मजबूती के साथ, अब कोशिश ये है कि अब आरपीएससी का एडवोकेट मजबूती से वहां बात रखे। अब निर्णय कोर्ट को करना है, क्योंकि 2000 जो मानसी वाला जो मामला था, गरीवाल जो मामला था, उसको आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तो अब उस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में, हनुमान जाट वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में, अब कोर्ट उन केसों को, उन जो याचिकाएं लगी हैं उनको मद्देनजर रखती है या कोर्ट के अध्याधीन या कुछ करती है, लेकिन ये आने वाली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन हम 4 तारीख तक आप लोग इंतजार करें, 4 या 5 की जो भी सुनवाई उसमें नहीं होता है तो आप लोग याचिका लगाकर कोर्ट में सुनवाई कराकर इसका रास्ता आप निकल सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय आएगा उससे पहले और प्रक्रिया बाकी वो पूरी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके अलावा जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ था उसकी भी मैंने आज ज्ञापन दिया है कि न तो वो संदीप नेहरा शिव भगवान जो मुख्य आरोपी है, अन्य साथी वो नहीं पकड़े गए। आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि पेपर कहां से आउट हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड से हुआ था, थाने से हुआ था, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था, नहीं अपराधी पकड़े गए। और जिन कोचिंगों को सील किया गया था उन्होंने बड़ी मिली वक्त पैसे खिला के वापस कोचिंग को खुला लिया है, क्योंकि भविष्य के खिलाफ, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो तो बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन बात ऐसी है, आज मैंने ज्ञापन सौंपा है, वो कह रहे हैं कि इसको डीजीपी के पास, महानिदेशक के पास वो भेज रहे हैं। आज मैंने सौंपा है, वो भेज रहा है अग्रिम कार्रवाई के लिए। लेकिन इस मामले को लेकर मैं खुद कोर्ट में याचिका लगाऊंगा कि कोचिंग संचालित हो रही है उनकी, एक नहीं 12-13 उनकी ब्रांच है, पेपर लीक के जो प्रकरण के जो सरंगना वो फरार है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं आने वाली भर्तियों के परीक्षा पेपर सुरक्षित रहेगा, कैसे कह सकते हैं आने वाली भर्तियां सुरक्षित रहेंगी, वो सरंगना फरार है, उनकी कोचिंग खुले में चल रही है और आज वो खुले में घूम रहे हैं। ऐसे में देश राजस्थान के बेरोजगारों का भविष्य कैसे बनेगा, ये बात मैंने मजबूती से रखी है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक जी को वो हमारा लेटर फॉरवर्ड किया है। मैं आशा करता हूं सरकार जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़े, जल्द से जल्द कोचिंग को वापस सील करे, इसके संबंध में आज क्या प्रश्न होता है दोस्तों। इसके अलावा जो लाइफ जो भर्ती प्रयोगशाला सहायक है, कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर, महिला आंगनबाड़ी, इस संबंध में जो 3 फरवरी को जो एडवोकेट जो बता रहे हैं जो हाईकोर्ट में इनके संबंधी, तो वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सीएमओ में उनकी बात रखी है, बल्कि हम एडवोकेट से बात करते हैं, बोर्ड से बात करते हैं, तमाम इश्यू को लेकर अब इन चीजों के बाद रखने के अलावा और कुछ इश्यू और थे, क्योंकि दोस्तों इतना समय करीब 20 से 25 मिनट हमारी वार्ता चली, क्योंकि और भी मीटिंग्स थी, मैं पूरी बातें नहीं रख पाया, फिर एक बार समय लूंगा। लेकिन जो और मामले थे, जैसे रीट शिक्षक भर्ती का नया सिलेबस और पैटर्न का मामला था, रीट शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी संस्कृत भाग, 2017 और 2018 जो सूची वाला मामला था, इस संबंध में यही है दोस्तों कि जो प्रमुख शासन सचिव है जो मंजू राजपाल जी है, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, वो 22 तारीख से छुट्टी पर है और वो 6 तारीख तक वापस आएंगे। ऐसे में 6 तारीख के बाद ही, चाहे 8 तारीख की भी संभावना बता रहे हैं, जो सिलेबस और पैटर्न को लेकर मीटिंग होगी 6 तारीख के बाद ही, और उसी में सिलेबस और पैटर्न के जो आधे जो लोगों को पता चलेगा, ऐसे में जिसकी स्थिति बनी है, तो उन्होंने कहा अब यही वार्ता में निष्कर्ष का, वो छुट्टी पर वो आएंगे तब मीटिंग होगी, तो उसके बाद ही तय हो जाएगा, उसके बाद यानी कि आने के बाद तुरंत इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, सिलेबस और जो पैटर्न वो ओपन किया जाएगा, लोगों तक मैसेज पूछे तैयारी कर सके। इसके अलावा जो 2016-17 जो हाईकोर्ट के आदेश आए हैं उसमें भी जो लीगल, उसमें वित्त विभाग भी होगा, उसमें विधि विभाग भी होगा, उसमें शिक्षा विभाग भी होगा, और उसमें जो डीओ लीगल है सब लोग मौजूद रहेंगे, और उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा अपील करनी है या नो अपील करनी है, और उसमें प्रमुख शासन सचिव भी मौजूद रहेगी। तो प्रमुख शासन सचिव अब नहीं, 31 तारीख को वो मीटिंग प्रस्तावित थी, वो घर पे उनके पिताजी का देहांत होने के बाद वो मीटिंग जो कैंसिल हुई। 28 तारीख को भी जो मीटिंग थी, राहुल गांधी जी थे, मैडम भी नहीं थी, राहुल गांधी जी तो दौरा था वो कैंसिल हुई। तो अब दोनों
जो एक और सूची जारी करने का मामला 16 हो, 17, 18, और जो सिलेबस और पैटर्न वाला मामला जो प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग मंजू राजपाल जी के आने के बाद या 6 तारीख के बाद यानी कि 8 तारीख 10 तारीख जो भी है कि वो आने के बाद यानी कि विधि वाक्य अधिकारियों से मिले तो उन्होंने ये कहा कि वो आने के बाद हम तारीख लेंगे तो 1 सप्ताह बाद हमारी मीटिंग होती है क्योंकि हमें सब लोगों को सूचना देनी होती है। तो कुल मिलाकर 20 तारीख से पहले इसकी जो 2016, 17, 18 जो भी संबंधित जो भी आदेश में है उसकी मीटिंग होगी विधि विभाग शिक्षा विभाग तमाम वित्त और जो लोग सब तमाम अधिकारियों की, और उससे पहले ही सिलेबस और पैटर्न का भी मीटिंग होकर उसका भी निर्णय हो जाएगा। ये आज इस मीटिंग से निकल के आया। इसके अलावा दोस्तों नई भर्तियों के लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तमाम लंबित भर्तियों के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितना हो सके इस वीडियो में कई भर्तियों का नाम इसलिए नहीं जिक्र कर सकता, इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। जितना आज मुझे समय मिला कोशिश की कि हर बेरोजगार की आवाज उठाऊं, हर बेरोजगार की पीड़ा सरकार तक पहुंचाऊं, उनको न्याय मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ नई संघर्ष के साथ नई प्रयासों के साथ आपके बीच में मौजूद रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।